तो गाइस फाइनली आज हम लोगों का सडनली प्लान बन गया और मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं नीम करौली। सो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग फ्लैट गाइस आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम में 7 बज रहा है और जय हो जय हो जय हो जय हो दर्शन करने के लिए। तो महिमा आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। प्रत्युष? बहुत ज्यादा। और भैया आप भैया भी एक्साइटेड है। हम लोग निकल चुके हैं नोएडा सेक्टर 135 से और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नीम करौली, उसके बाद जाएंगे नैनीताल। देख सकते हैं हम लोग निकल चुके थे मॉर्निंग में और अभी 8 बज गए हैं। अभी हम लोग दिल्ली से और नैनीताल वाले हाईवे पे हैं। यहाँ से नैनीताल 248 किलोमीटर रह गया। दिल्ली में तो यमुना जी हैं। सावन के टाइम में जाना और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना लंबा ट्रैफिक लग गया है कि गाड़ी हम लोगों को टर्न करानी पड़ गई है। अब देखते हैं यहाँ से कोई और वे फिलहाल, फिर उधर से निकलते हैं। गाइस फाइनली मॉर्निंग से निकले ट्रैफिक की वजह से कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जो हमारा रह गया नीम करौली 150 किलोमीटर रह गया है और नैनीताल अप्रॉक्सीमेटली 120 या 115 किलोमीटर। तो अब चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट कराते हैं, भैया गए हैं CNG डलवाने। फाइनली 5 मिनट के बाद खाना खाने के टाइम पिक लेना बोल रहे क्योंकि सभी को धन्यवाद। रुपया तो कैश को अवश्य कैरी करें वरना कैश के लिए काफ़ी समस्या हो सकती है। क्यों प्रत्युष ब्रो यहाँ पर आए तो कैश जरूर कैरी करें वरना कैश के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा समस्या है। कैसे कैसे हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करके अपना पेमेंट करवाया है बस कैसे भी करके पेमेंट तो हो गई है फिलहाल। अब बढ़ते यहाँ से आगे। ये रामपुर का चाकू चलिए हो गया क्या रामपुर का चाकू पहाड़ों की ठंडी ठंडी वादियों का आनंद लेते हुए अभी हम हवाओं में हैं चुके हैं। अभी ये देखिए सुंदर सा एक मंदिर आ चुका है हमारे सामने। ये आपको 3-2-1 या व्यू देखिए एक, ये क्या मेमोरी फुल होगी क्या फोन में। अरे फाइनली हम लोग काठ गोदाम पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग में 6 बजे के निकले अभी काठ गोदाम पहुँच गए और टाइम हो रहा है 3:38। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पहाड़ का व्यू। यहाँ से काठ गोदाम से ये स्टार्ट हो गया है पहाड़ के व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीम करौली दर्शन करने, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नैनीताल और फिर हम लोग जाएंगे नीमताल। तो बच चुका है और कैची धाम हम लोग पहुंचने वाले हैं। ओनली 24 किलोमीटर ही रह गया है। सो प्रत्युष भाई ओनली 24 किलोमीटर रह गया है, काफी खुशी हो रही है। फाइनली हम महिमा कैसा लग रहा है? अच्छा। अभिजीत भाई वेट हो रही है बस कैसे भैया 24 किलोमीटर और निकल जाए। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले हुए हैं, हम लोग निकल गए थे 6 बजे और तब से फिर ट्रेवल और अभी बज रहे हैं 5:15। सो कैची धाम हम लोग नेक्स्ट 1 आवर में पहुंच जाएंगे और ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये दिखाओ झरना कहाँ है, ये रहा झरना वहाँ से पास में दिखेगा भी। ये भाई चलो।
पहुँचने वाले हैं नैनीताल से, एंट्री कर लिए थे। अब यहाँ से कैची धाम 24 किलोमीटर रह गया है और हम लोग मॉर्निंग में निकले थे 6 बजे, अभी बज रहा है 4:50। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से भी अभी हम लोग को 1 आवर लग जाएगा। तो यहाँ पे भैया ने भी रोक दिया है और थोड़ा सा आपको मैं इधर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कैची धाम से देर से एंट्री करेंगे काफ़ी अच्छा व्यू है। दोस्त लोग हैं और भैया यहाँ पे गाइस आपको दिखाते हैं, भैया ने भी गाड़ी रोकी है और यहाँ से आपको जन्नत का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि कैसे लोग पहाड़ पर रहते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलिए, यहाँ पे पानी वाला ये व्यू है झरना, देख रहे पहाड़ पे रास्ता कैसा होता है। गाइस फाइनली पार्किंग में पहुंच गए, फाइनली पार्किंग में पहुंच गए। भाई मॉर्निंग से अभी तक के पहुंच गए। अब चलते अंदर। अब पार्किंग का फोर व्हीलर का पड़ा है 118 रुपये इंक्लूडिंग 18% GST 4 आवर्स के लिए। आपको पार्किंग का व्यू भी अभी दिखाता हूँ। जस्ट ये पार्किंग के पास है एंट्री करने का और यहाँ पार्किंग, उसके बाद ये जाने का। चलते हैं बाबा नीम करौली के दर्शन करने एंड लेट्स सी। गाइस आ गए हैं कैची धाम और यहाँ से इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है। प्रांचल भाई, केदारनाथ से अब कैची धाम आ गए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रो देखते हैं फिर भी तुंगनाथ या फिर उज्जैन, देखते हैं बाकी जहाँ बाबा की इच्छा। क्योंकि कैची धाम गाइस हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद, आप देख सकते हैं जो कि 100 रुपीज़ का। यहाँ पे में जाने के लिए हम एकदम रेडी हैं। अब यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यस आप बिलीव नहीं करेंगे कि 11 घंटे की ड्राइव, बट एक भी थकान कुछ नहीं, कुछ भी जोश इज ऑल द टाइम। 11 घंटे हम लोग बैठे रहे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग थके, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस जस्ट अभी पहुंच गए। इसे कहते हैं सेरेनिटी पावर। और ये भी नहीं पता चला ना कि 11 आवर्स हो कैसे गया, क्यों करते उस स्पिरिचुअल पावर। फाइनली बिलीव ये आ गया है यहां से। जय बाबा नीम करौली, जय बाबा नीम करौली। ये आ गया इनका गेट। फाइनली नीम करौली बाबा पहुंच गए। जय नीम करौली बाबा की, जय श्री राम, जय बजरंग बली। हम लोगों के काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए और भीड़ ज़्यादा नहीं है। लोग इस टाइम कह रहे थे कि बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट बारिश वारिश ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली है। दर्शन हो गए बाबा के, महिमा दर्शन हो गए फाइनली, कैसा लगा? बाकी सब लोग भी आ रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं भाई। बाद मतलब कि बाबा के दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है भाई, भी मन नहीं कर रहा, एकदम आत्मा तृप्त हो गई है यहाँ से। बहुत शांति मिल रही है, एकदम दिमाग को जितना कुछ दिमाग में चला था एकदम शांत हो गया, एकदम मन पूरा शांत हो गया। क्यों प्रांजल भाई? भाई बिल्कुल भाई, बहुत मन शांत रहा। आपको कभी था कि और रुकना चाहिए था मगर वी डोंट हैव टाइम, अभी टाइम नहीं, डोंट हैव लीव। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ, ये
ये बाबा का मेन दर्शन यहीं से होते हैं। दर्शन कर लिए और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं नैनीताल की ओर। फाइनली लिटरली बता रहा हूँ, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो आराम से आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रश होता है, रश बिल्कुल भी नहीं होता है और काफ़ी अच्छा है। और आराम से आप यहाँ पे नाइट में स्टे भी करना चाहें तो नाइट में आप स्टे भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, हम लोगों के नीम करौली बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो नैनीताल भी पास में है तो नैनीताल हो लेते हैं। तो ये नीम करौली से नैनीताल जाते टाइम का आप देख सकते हैं फॉग और यहाँ का व्यू। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नैनीताल का भी बताएंगे और नैना